बेगूसराय की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना की पुलिस ने पकड़े 5 अपराधी। इसकी जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर मीडिया कर्मियों को दी है। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए राजन सिन्हा ने बताया कि सदर के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया था। छापेमारी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए FCIOP अंतर्गत इब्राहिम कुटोला स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय रेलवे कॉलोनी बिहट को घेराबंदी कर हथियार से लैस 5 व्यक्तियों को पकड़ा गया था। पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ के दौरान लूट के कई कांडों का खुलासा हुआ। साथ ही राजन सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों द्वारा अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई। गिरफ्तारी अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि सभी कांडों में लाइनर का काम कर रहे बाबुल कुमार हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अपराधियों के साथ साथ लूट एवं हत्याकांड में प्रयोग किए जाने वाले मोबाइल, गाड़ियां एवं अन्य उपकरण को भी जब्त किया गया। और क्या कुछ कहा है पदाधिकारी ने, देखिए इस पूरे रिपोर्ट में। अगले वर्ष दिसंबर के अंत में और इस वर्ष जनवरी के मिड के बाद सदर अनुमंडल क्षेत्र में कुछ लूट की घटनाएं प्रतिवेदित हुई, जिसमें कुछ फाइनेंशियल जो कर्मी थे उनसे कुछ रुपए लूटने के और रोड से कुछ मोटरसाइकिल लूटने के कांड प्रतिवेदित हुए थे, जिनके अनुसंधान के लिए, उद्भेदन के लिए और गिरफ्तारी के लिए एक टीम SDPO सदर के नेतृत्व में बनाई गई थी। ये टीम सूचना संकलन लगातार कर रही थी, तकनीकी भी और मैनुअल भी। इसी क्रम में कल 3 तारीख को सूचना मिली शाम में कि कुछ अपराधी FCI थाना क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं हथियार के साथ, और इसका सत्यापन करने के लिए और गिरफ्तारी करने के लिए जो टीम गठित की गई थी वो तत्काल वहां पर रश की, और इस टीम ने वहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया, 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया अवैध आग्नेयास्त्र के साथ। और इनसे जब पूछताछ की गई तो जो विगत कुछ दिनों में लूट की घटनाएँ हुई थी ज़िले में उनका उद्भेदन हो पाया है। इसमें 18 जनवरी को FCIOP क्षेत्र से एक बंधन बैंक कर्मचारी से 1 लाख रुपया और मोबाइल लूटने का कांड प्रतिवेदित हुआ था, उसमें अपनी संलिप्तता इन लोगों ने स्वीकार की है। 25 जनवरी को बीरपुर से एक मोटरसाइकिल लूटने की घटना हुई थी प्रतिवेदित, उसका उद्भेदन हुआ है और लूटी गई मोटरसाइकिल भी रिकवर कर ली गई है। 28 जनवरी को गढ़ारा OP के ठकुरी चक से फाइनेंशियल कर्मी से 57,000 रुपया लूटा गया था, उसमें भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। और एक केस लास्ट ईयर दिसंबर का, 16 दिसंबर का है, गढ़ारा OP का ही, बारो बांध के पास से एक बंधन बैंक के कर्मचारी के साथ इन्होंने लूट की घटना की थी, इसका भी उद्भेदन हुआ है। तो कुल 4 केसेस इन लोगों की गिरफ्तारी से डिटेक्ट हुए हैं। इनके पास से अवैध आग्नेयास्त्र और 33,000 रुपया भी रिकवर हुआ है। अब ये 33,000 रुपया 2 केसेस हमारे हुए थे जो फाइनेंशियल कर्मियों के पास से पैसा लूटा गया था, तो कितना अमाउंट FCI वाले केस का है, कितना गढ़ारा OP वाले केस का, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन ये दोनों केसेस के ही मिले जुले जो अमाउंट हैं बचे हुए शेष वो हैं। पूछताछ में एक चीज़ और पता चली कि जो FCIOP में बंधन बैंक के कर्मचारी के साथ लूट की घटना हुई थी, एक्चुअली वो 47,000 की लूट की घटना हुई थी, लेकिन कर्मी के द्वारा 1 लाख का केस करवाया गया। उसके बारे में हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं, उसमें पूछताछ कर रहे हैं, और यदि जो संबंधित कर्मी है, जो कांड का वादी भी है, उसकी कहीं पे भी कोई इलीगल एक्टिविटी दिखती है तो उसके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। कुल कितनी गिरफ्तारी हुई थी? इस पूरे केस में 5 लोग जो एक जगह से पकड़े गए, और पूछताछ में एक और व्यक्ति बाबुल कुमार उर्फ रुद्रा, जो हर केस में लाइनर का काम करता था, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। जितने भी लूट की घटनाएं होती थी सभी में लाइनर का काम वही करता था। ये टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी इन 4 लूट के कांडों में हुई है। महत्वपूर्ण उपलब्धि है पूरी टीम की। इसमें 3 देसी कट्टा, 3 कारतूस, 5 मोबाइल, 33,000 नकद, 1 लूटी गई मोटरसाइकिल और 1 घटना में जो यूज़ की गई मोटरसाइकिल थी वो रिकवर की गई है। इसके साथ साथ 2 और महत्वपूर्ण कांडों में गिरफ्तारी हुई है, उद्भेदन हुआ है। एक जो टाउन थाना में 1 जनवरी को गोली मारी गई थी BM अस्पताल रोड पोखरिया के पास, हर्ष कुमार मिश्रा को अज्ञात अपराधकर्मियों के विरुद्ध 307 और 27 आर्म्स एक्ट में कांड दर्ज किया गया था, उस कांड का भी उद्भेदन हुआ है। और उसमें एक प्रेम कुमार राय जो पोखरिया का रहने वाला है उसकी गिरफ्तारी हुई है, उससे पूछताछ किया गया है, उसने संलिप्तता स्वीकार कर ली। एक और व्यक्ति का नाम उसने बताया जिसके विरुद्ध हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। कारण उसमें ये पूछताछ में आया है कि हत्या का कोशिश नहीं थी, ये लोग सभी जान पहचान के थे, जिनको गोली लगी थी वो भी,
और जिससे गोली चली थी वो भी आपस में ये लोग हथियार को खोल जोड़ कर रहे थे, जिसमें एक्सीडेंटली गोली चली और गोली वादी को लगी है। अब मैं बता देता हूँ टोटल, अभी एक और केस जो इम्पोर्टेंट है उसका उसमें गिरफ्तारी हुई है, उसके बारे में पहले मैं बता दूँ। 27 तारीख को टाउन थाना क्षेत्र के दिनकर कला भवन के सामने एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुए थे और उनके बयान पे क्या कांड दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा था। उसमें नीतीश कुमार की गिरफ्तारी हुई जो नेम्ड एक्यूज था, और इसमें संलिप्तता अपनी स्वीकार कर ली है। इसमें घटना का कारण प्रकाश में जो आया है, क्रिकेट मैच खेलने के दौरान दोनों में विवाद हुआ था कुछ माह पहले, और बराबर रास्ते पर आते जाते समय वादी को अपराधियों के द्वारा टॉर्चर किया जाता था, तंग किया जाता था, और उसमें अंततः ये 27 तारीख को गोली मारी गई थी। उसमें उस केस में 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। टोटल जो कल पूरी टीम सदर अनुमंडल के पदाधिकारी के नेतृत्व में जो टीम ने कार्य किया है, उसमें टोटल 11 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। 33,000 रुपया कैश बरामद हुआ है, एक लूटी गई मोटरसाइकिल, एक लूट में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल, 5 देसी कट्टा और 7 जिंदा गोलियां, कुछ मोबाइल्स बरामद हुई। ये टोटल कल की उपलब्धि थी। इसके अलावा आप लोग जानते हैं, कुछ समाचार पत्रों में भी खबर प्रकाशित हुई थी, बखरी अनुमंडल क्षेत्र में विगत कुछ दिनों में कुछ लूट की घटनाएं हुई थी, जिसके लिए SDPO बखरी के नेतृत्व में वहां के जो थानाध्यक्ष से सभी की टीम बनाई गई थी, और समस्तीपुर से कॉन्टैक्ट उसमें पता चला था कि वहां के अपराधी उसमें घटना कारित कर रहे हैं, तो समस्तीपुर पुलिस का भी सहयोग रहा उसमें, और बिथान थाना प्रभारी, अन्य वहाँ के पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के सहयोग से वहाँ पे गिरफ्तारियाँ हुई हैं। आप लोगों ने उसको प्रकाशित भी किया था, उससे 3 लूट की, बेगूसराय ज़िले से संबंधित 3 लूट की घटनाएं थी, उनका उद्भेदन हुआ था, और उसमें लूटी गई मोटरसाइकिल, कैश, वो भी रिकवर हुई थी। उन सभी अपराधियों को हम लोग यहाँ पर रिमांड लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे।